जैन मेरे प्यारे भाइयों, मैं दीपेंद्र आप सभी का ऑनलाइन स्टडी बड्डी के मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारा जो सेशन है वो है समाज विज्ञान का। तो समाज विज्ञान की 1000 की जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी जो प्रीवियस ईयर की, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण जो आज के प्रश्न आएंगे हम उस पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। और दूसरी बात याद रखना, बेल आइकन पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना, जैसे आपको हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिएगा हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। समय को बर्बाद ना करते हुए सेशन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। बेटा ज्यादा से ज्यादा सेशन को क्या कर दो बेटा, शेयर कर दो। और सब लोगों को क्या कर देना है, शेयर कर देना। ओके चलो, आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। आज का जो पहला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है। देखिएगा, पृथ्वी के सबसे निकटतम जो खगोलीय पिंड है, या हम ग्रह की बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, ग्रह की। तो सबसे निकटतम खगोलीय ग्रह कौन सा है, खगोलीय पिंड या ग्रह कौन सा है, तो मुझे बताना है। तो देखिएगा, हम बात करते हैं किसकी, सूर्य की। किसकी बात करेंगे बेटा, सूर्य। जैसे जी हो गया सूर्य, सूर्य तो सूर्य के नजदीक सबसे जो कौन होगा, बुध। बुध, शुक्र, पृथ्वी, और फिर आता है कौन, मंगल। वो पूछ रहा है क्वेश्चन क्या रहा है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम, तो बेटा पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा दिख रहा है, शुक्र दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है बेटा, शुक्र दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका शुक्र हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं, तो याद रखना किसको कहते हैं बेटा, शुक्र को कहते हैं। ओके चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं, समझ में आ रही है आपको बात। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। हम बात करेंगे रेगिस्तान का जहाज, तो भारत में हम बात करेंगे, भारत में जी वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं क्या हम, राजस्थान। क्या बोलते हैं हम, राजस्थान। और राजस्थान में जो रेगिस्तान है उसको बोलते हैं क्या हम, ठीक है, यहां का बोलते हैं थार का मरुस्थल। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम, थार का मरुस्थल। थार का जो मरुस्थल है, ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा, सॉरी मरुस्थल कौन सा है, तो याद रखना कौन सा है, सहारा है। कौन सा बेटा, सहारा है। तो वो पूछ रहा है रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं, क्या गधा को कहते हैं, नहीं, क्या ऊंट को कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऊंट को ही क्या बोलते हैं हम, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। किसको बेटा, ऊंट को। और हमारे यहां पर कहां है, तो याद रखना कहां पर है बेटा, तो आप लोगों को पता है ना हमारे यहां पर कहां है, रेगिस्तान में। कहां पर जल्दी बताओ, राजस्थान में। अभी नहीं बताया पगलो। संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है वो है कौन सा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कौन सा है बेटा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों की आने की संभावना क्या रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी। तो आप लोगों को पढ़ना है। देखो, इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है। देखिएगा, आपने पढ़ा होगा बैजानी, बैजानी हा पी नाला, बैजानी हा पी नाला। तो यहां पर वो कह रहा है बैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। कितने कलर हो गए बेटा, सात। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। अब वो पूछ रहा है नीले रंग के बाद बताना है। तो देखिए, नीला रंग कहां है बेटा, जी है, नीला रंग के बाद कौन सा आएगा, हरा आएगा। कौन आएगा, हरा। तो नीले के बाद कौन सा रंग आता है बेटा, तो याद रखना कौन सा आता है, हरा रंग आता है। इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं, पहला बै, जा, नी, हा, पी, नाला। तो अब वो कह रहा है नीला रंग के बाद कौन सा रंग आएगा, तो ध्यान रखना कौन सा रंग आएगा भैया, हरा रंग आएगा। ओके क्लियर, बात समझ में आ गई है, जल्दी बताएं। ओके चलो, अगला प्रश्न आता है, ये रहा आपके सामने, राष्ट्रीय अभिलेखाकार। जी देखो, फैक्चुअल क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अभिलेखाकार कहां स्थित है, तो ध्यान रखना कहां पर बेटा, नई दिल्ली में। कहां पर है, नई दिल्ली में। इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की प्राचीनतम नव पाषाण काल, ध्यान रखना कौन सा, नव पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थरों का काल, ठीक है, नव का मतलब होता है नया, पत्थरों का काल। जैसे पुरा होता है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में क्या हुआ था, लोगों का क्या हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ, और आदमखोर थे। कैसे थे बेटा, आदमखोर और शिकारी थे। कौन,
मनुष्य, क्यों? क्योंकि ना तो उनको पढ़ना आता था ना लिखना आता था, ठीक है। फिर पुरापाषाण के बाद आता है कौन सा? मध्य पाषाण काल, थोड़े स्थायी निवास करने लगे। और फिर आता है कौन सा? नवपाषाण काल, जहां पर क्या होता है? कृषि का विकास होता है, ठीक है, और गेहूं की खेती होती है। और गेहूं की खेती के साक्ष सबसे पहले कहां मिलती है? तो मेहरगढ़ में होती मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। ओके, जैन धर्म जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन तैयार कहां किया गया था? अमरावती में, प्रयाग में, उज्जैन में, क्या ओवल्लवी में? तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? ओवल्लवी में जैन धर्म का, ठीक है, जो धार्मिक ग्रंथ है वो पहला संकलन कहां स्टार्ट किया गया था? तो ध्यान रखना कहां पर बेटा? पल्लवी में। ओके, अगला क्वेश्चन, किस धर्म के तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए? देखिएगा, एक धर्म पढ़ते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में तीर्थंकरों की क्या है बेटा? परंपरा है। तो कुल मिलाकर कितने आचार्य या तीर्थंकर हुए? तो याद रखना 24। जो पहले थे वो थे कौन से? हमारे पहले थे जिनको हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं, ऋषभदेव। कौन थे बेटा? ऋषभदेव। पहले नंबर के कौन है? ऋषभदेव हैंगे। और 23वें नंबर की याद रखना है पार्श्वनाथ। कौन याद रखना है बेटा? पार्श्वनाथ। और 24 नंबर के याद रखना है कौन? महावीर स्वामी। कौन रखना है याद? महावीर स्वामी। तो 24 मेर तीर्थंकर कौन थे बेटा? तो रखना महावीर स्वामी। इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। क्या कहा गया? वास्तविक संस्थापक कहा गया। किनको? महावीर स्वामी। ध्यान रखना, इन्होंने, महावीर स्वामी ने जो दीक्षाएं दी थी, जो शिक्षाएं दी थी, उन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं दी थी? पहला ध्यान रखना, पहला दिया था सत्य, दूसरा अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, अपरिग्रह, और पांचवी दी थी कौन सी हमारी? जो चार तो दी थी इनने भी दी थी। जो चार किसने दी थी? पार्श्वनाथ ने। और महावीर स्वामी ने चार तो दी, एक और जोड़ दी थी उन्होंने, कौन सी? ब्रह्मचार। कौन सी जोड़ दी थी? ब्रह्मचार। तो पांच शिक्षाएं दी थी किन्ने? महावीर स्वामी ने, ठीक है। जैन धर्म में सत्य का मतलब होता है हमेशा क्या बोलो? सत्य की राह पर चलो। अहिंसा का मतलब होता है मन वचन वाणी से किसी की भी हिंसा ना करो, मन में भी किसी का गलत ना सोचो, वो कहलाता है क्या? अहिंसा। अस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना, कभी भी किसी प्रकार की चोरी ना करें। अपरिग्रह का मतलब होता है कभी भी धन को एकत्रित ना करें। और ब्रह्मचार का मतलब होता है ब्रह्मचार का क्या करें? पालन करें। तो पांच शिक्षाएं दी थी किन्ने? महावीर स्वामी ने। और ये चार ऊपर की जो शिक्षाएं दी थी, ये दी थी किसने बेटा? पार्श्वनाथ ने दी थी। तो 24 तीर्थंकर कहां हुए? तो ध्यान रखना जैन धर्म में हुए। कहां हुए भैया? जैन धर्म में हुए, ठीक है। और जैन धर्म के संस्थापक थे कौन? ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आदिनाथ के नाम से। ओके, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतिम मौर्य शासक कौन था? पहले हम प्रथम की बात कर लें। देखिएगा, अगर हम बात करें मगध पर, मगध पर तीन वंश होते हैं। एक होता है हर्यक वंश, एक होता है नागवंश, एक होता है कौन सा? नंदवंश। नंदवंश का अंतिम शासक होता है कौन? घनानंद। कौन होता है बेटा? धनानंद या घनानंद मिलता है नाम। तो धनानंद की जो हत्या कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी, किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। और मगध पर जो नया वंश की स्थापना होती है उसका नाम होता है क्या? मौर्य वंश। वो कहते ना इतिहास की वास्तविक जानकारी कहां से प्राप्त होती है? मौर्य वंश से होती है। और मौर्य वंश का संस्थापक याद रखना कौन थे बेटा? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, और चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म से थे? तो ध्यान रखना जैन धर्म से संबंधित थे। और कर्नाटक में श्रवण बेलगोला पर जाकर, ठीक है, संतानम पद्धति के आधार पर, जो जैन धर्म की संतानम पद्धति है उस पद्धति के आधार पर, या संलेखना पद्धति कहते हैं, इस पद्धति के आधार पर अपने प्राणों को क्या कर देते हैं? निछावर करते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बाद वो आते हैं कौन? इनके बाद आते हैं, इनका पुत्र आता है कौन? बिंदुसार। कौन आता है बेटा? बिंदुसार। कहते हैं बिंदुसार के 101 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बहादुर पुत्र था कौन? अशोक। अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके
कौन बनता है, सम्राट बनता है और अशोक कहलाता है। कौन बनता है बेटा, अशोक कहलाता है। तो तीन ज्ञात शासक याद रखना है जो कि क्या थे, बहादुर भी थे और अच्छा उन्होंने अपना प्रशासन चलाया है। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे थे बिंदुसार और तीसरे थे कौन, अशोक। बिंदुसार जो धर्म को मानते थे वो मानते थे आजीवक, आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। और अशोक जो मानते थे वो मानते थे कौन से धर्म को बेटा, बौद्ध धर्म को, बौद्ध। और अशोक के शासन काल में ही ठीक है तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कौन हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। किसके शासन काल में, अशोक। तो पहले होगा चंद्रगुप्त, दूसरे होगा बिंदुसार, तीसरे कौन हो गए, अशोक। वो पूछ रहा है अंतिम मौर्य शासक कौन हुए, तो अंतिम मौर्य शासक हुए कौन, बृहदरथ। ध्यान रखना बृहदरथ अंतिम कौन हुए, बृहदरथ। और बृहदरथ की हत्या कर दी थी शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने। ध्यान रखना किसने, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदरथ की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं और नए वंश की स्थापना हो जाती है जिसका नाम होता है कौन, शुंग वंश। क्या हो जाता है, शुंग वंश। कहते ना इनको, इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। क्या करवाया था बेटा, तो पहली बार अश्वमेघ यज्ञ इतिहास में किसकी जानकारी मिलती है अश्वमेघ यज्ञ करवाने की, तो वो कौन से है बेटा, पुष्यमित्र शुंग है। क्लियर है, चलो तो राइट आंसर क्या होगा बेटा इसका, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न ये आपके सामने, अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा। देखिएगा समुद्रगुप्त क्या होते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते बेटा, भारत का नेपोलियन कहते हैं। किसको, समुद्रगुप्त को कहते हैं। तो समुद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र बनता है कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठता है। और ध्यान रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही कौन रहते थे, कालिदास रहते थे। कौन रहते थे बेटा, कालिदास, जिन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, उज्जैन को बनाया था। किसको बनाया था बेटा, उज्जैन को बनाया था, ठीक है। और इनके शासन काल में आठ नवरत्न रहते थे, आठ नौ रत्न रहते थे इनके शासन काल में, नौ लोग रहते थे इनके शासनकाल में, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने क्या किया था, शकों को पराजित किया था। किसको पराजित किया था, शक शासकों को पराजित किया था। इस वजह से इनको कहा गया है शकारी विक्रमादित्य। क्या कहा गया था बेटा, शकारी विक्रमादित्य कहा गया। किनको, किनको कहा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो राइट आंसर क्या होगा, क्या चक्रवर्ती कहा गया, महाराजा कहा गया, महासम्राट कहा गया, विक्रमादित्य कहा गया। क्या कहा गया, शकारी विक्रमादित्य। तो आगे जोड़ देना क्या, एक शकारी विक्रमादित्य कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, शकारी विक्रमादित्य। ओके, अगला, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि, पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता। ऐसा हो नहीं सकता, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता। अरे ऐसा भी नहीं है, चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर नहीं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरे करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर पूरा लेने। बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर क्या होगा, ए। जैसे ये होगी पृथ्वी, कौन होगी ये पृथ्वी। अब इस पृथ्वी का चक्कर लगाना है किसको, चंद्रमा को। तो चंद्रमा को जब चक्कर लगाएगा, चंद्रमा इस प्रकार का चंद्रमा चक्कर लगाएगा तो जितना समय इसको चक्कर लगाने में लगेगा उतने ही अक्ष, जैसे अक्ष का मतलब होता है परिक्रमा। जैसे मैं खड़ा हूं इधर, तो मैं अपने अक्ष पर खड़ा हूं और अगर मैं इस प्रकार से पूरा घूम जाऊं, अगर मैं पूरा घूम जाऊं तो मैं अपने अक्ष पर ही क्या करूं, घूम गया हूं। और वो कहलाता है कि हमारा अपने अक्ष पर ही घूमना। और अगर वो किसी की परिक्रमा, जैसे मंदिर होते हैं ना, मंदिर, हम लोग मंदिर जाते हैं ना तो मंदिर की पूरी क्या करते हैं, हम परिक्रमा करते हैं, मतलब मंदिर का क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और कभी देखा होगा मंदिर में हम जाएंगे तो वहीं के वहीं हाथ जोड़कर वहीं के वहीं पूरा अपने अक्ष का क्या लगा लेते हैं, चक्कर लगा लेते हैं। तो वो पूछ रहा है कि उस पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाना है और अपने स्वयं का चक्कर लगाना है तो कितना समय लगेगा, दोनों का समय बेटा एक होता है। क्या होता है, दोनों का समय क्या होता है, एक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनत है, कानून पारित करना, दोनों सही है, दोनों बेटा सही है, ए और बी दोनों क्या हैंगे, सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं
औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है, जल्दी मुझे कमेंट में बताना औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है। काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। पहला, पंडित रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। बिल्कुल बात, ये तो सही है, पंडित रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की क्या की थी, स्थापना की थी। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनाने की में मदद मिलती। बिल्कुल सही है, प्राचीन ग्रंथों से नए कानून बनाने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। तीसरा, विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था। बिल्कुल सही बात है, विद्यासागर ने ही विधवा पुनर्विवाह का क्या दिया था, सुझाव दिया था। ठीक है, और प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, नहीं सिर्फ हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श नहीं किया, उन्होंने सभी ग्रंथों पर क्या किया था, विचार विमर्श किया था। किसने, प्रार्थना समाज ने। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके भैया, क्लियर, बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कथन ए, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। बिल्कुल बात सही है, अकबर ने सबसे पहले सुलह ए कुल की जो नीति प्रारंभ की थी वो किसने की थी बेटा, अकबर ने की थी। अकबर क्या करना चाहता था कि जो भी अपने आसपास के जो शासक थे उनसे वो लड़न कर नहीं, उनसे मित्रता करके अपने शासन प्रशासन को क्या करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। इस वजह से उसने सबसे पहले जो भी राजपूत लोग थे उनसे मित्रता बनाई, और उनसे कौन से संबंध अपनाए थे, सबसे पहले वैवाहिक संबंध अपनाए थे, और उस नीति को कहते थे क्या, हम सुलह ए कुल की नीति कहते थे। और जिन्होंने मान लिया उनके साथ में होगा, जिन्होंने नहीं माना उनके साथ युद्ध हुआ, जैसे हमारे महाराणा प्रताप जी थे। ठीक है, दूसरा, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी, जो कि विद्वान धार्मिक रीति और मानदाताओं पर बल देते थे। अकबर कट्टर होते थे, अकबर कट्टर होते हैं। तो आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों सही हैं, और ए का कारण बी है। बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलो, अगले प्रश्न का आंसर दें मुझे जल्दी। ठीक है, चलिएगा अगला, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख घटक, प्रमुख संघटक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, या ऑक्सीजन है। तो ध्यान रखना बेटा, जो नाइट्रोजन है वो 78% है, और जो ऑक्सीजन है वो 21% है, और यहां की बात करेंगे 0.4% है। तो वो पूछ रहा सबसे ज्यादा कौन सा वायुमंडल में है, तो राइट आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा वायुमंडल में है वो है कौन सा, नाइट्रोजन। कौन सा भैया, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है कहां पर, वायुमंडल में। चलेगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन करें। देखो जी है पृथ्वी, क्या बेटा जी है पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी से लेकर 18 किलोमीटर दूर, ध्यान रखना पृथ्वी से लेकर 18 किलोमीटर की जो दूरी होती है इस परत को बोलते हैं क्या हम, यहां को बोलते हैं क्या हम, क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं बेटा, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। यहां पर होती है क्या, मौसमी घटनाएं, क्या होती है बेटा, मौसमी घटनाएं होती हैं, आंधी आना, तूफान आना, आंधी तूफान, बारिश, वर्षा, ये कौन से मंडल में होती है, तो ध्यान रखना क्षोभ मंडल में। आंधी तूफान आना, मौसमी घटनाएं, ये सब किस में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, ये होती है क्षोभ मंडल में, बरसात होना। इसके बाद हम बात करेंगे 50 किलोमीटर की ऊपर की जो रेंज होती है, जो होती है 18 किलोमीटर पृथ्वी से, और जो होती है कितनी बेटा, 50 किलोमीटर, कितने दूर होती है, 50 किलोमीटर। इसको बोलते हैं 50 किलोमीटर को बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलेंगे इसको हम, समताप मंडल, समताप मंडल। ठीक है, यहां पर तापमान क्या होगा, यहां पर तापमान में क्या होती है, कमी होती है। यहां पर तापमान कम होगा, यहां पर तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो यहां पर होगा स्वच्छ होगा, क्या होगा बेटा, स्वच्छ होगा। जो वायुयान जो है, हवाई जहाज जो है, हवाई जहाज वगैरह कौन सी लेयर पर उड़ते हैं, तो ध्यान रखना समताप मंडल पर। कहां पर बेटा, समताप मंडल पर। अब हम बात करेंगे आगे की, बात करेंगे पृथ्वी से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर, हम बात करेंगे 80 किलोमीटर कहां पर बेटा, 80 किलोमीटर की। इसको बोलते हैं क्या, मध्य मंडल, मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। इस परत को क्या बोलते हैं हम, मध्य मंडल। यहां पर क्या होता है, यहां पर मध्य मंडल में अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखना समताप में एक और याद रखना है क्या, ओजोन,
ओजोन परत पाई जाती है कौन में, समताप में। मध्यमंडल होती है एक ठंडी परत होती है, कैसी होती है बेटा, ठंडी परत होती है, क्या होती है, ठंडी परत होती है, कौन सी, मध्यमंडल। अब हम बात करेंगे क्या हमारा फिर होती है कौन सी हमारी, इसकी बात करेंगे हम, मध्यमंडल के बाद है आयन मंडल, क्या हमारा आयन मंडल, ये कहलाता है आयन मंडल, आयन मंडल। यहां पर एरोरा की घटना होती है, क्या होती है बेटा, एरोरा की, जो होता है कहां से 640 किलोमीटर, कितना दूर, पृथ्वी से लेकर 640 किलोमीटर जो होता है वो होता है कौन सा, आयन मंडल, इसी को बोलते हैं क्या, बाह्य मंडल, क्या बोलते हैं बेटा, बाह्य मंडल। यहां पर जो होता है, यहां पर जो होता है बेटा इस आयन मंडल में, यहां पर होती है एरोरा की घटना, क्या होती है बेटा, एरोरा की घटना होती है, कहां पर, आयन मंडल में, ठीक है। और यहां पर जो तरंगे हैं वो तरंगे क्या होती हैं, रेडियो तरंगे हैं, वो यहां तक जाती हैं और यहां से क्या होती हैं, वापस आती हैं, कौन, रेडियो तरंगे होती हैं। फिर सबसे बाहर होता है, सबसे बाहरी वाला भाग होता है बहिर्मंडल, कौन सा होता है, बहिर्मंडल, जो कि 1000 किलोमीटर तक रहता है, लगभग 1000 किलोमीटर तक रहता है, ठीक है। यहां पर जो हम बात करेंगे अंतरिक्ष, जो अंतरिक्ष संबंधित जो भी हमारे जो जाते हैं ना अंतरिक्ष से संबंधित रॉकेट वगैरह, वो यहां पर जाते हैं, अंतरिक्ष संबंधित रॉकेट से संबंधित रॉकेट जो भेजे जाते हैं वो कौन से मंडल में भेजे जाते हैं, तो ध्यान रखना है बहिर्मंडल में। वो कह रहा सही क्रम बताना, तो पहला कौन सा है हमारा, क्षोभ मंडल, दूसरा है हमारा समताप, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है बाह्यमंडल, बाह्यमंडल या फिर आयन मंडल, और पांचवा है कौन सा, बहिर्मंडल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, जब लंदन में अपराह्न 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 का समय होता है, मतलब 2 से 7:30 तक कितने घंटे का बीत रहे हैं बेटा, 5.5 घंटे का समय। तो ध्यान रखना जो लंदन के समय है ना, उस समय से हम लोग 5.5 घंटे क्या है, लंदन के समय से आगे हैं। अगर अभी ये 12 बज रहे हैं लंदन में, तो हमारे भारत में कितने बजेंगे, 5:30 बजेंगे। पहली बात सही है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में, बिल्कुल सही है, 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, आ ए और आर दोनों सही है, और आर ए की क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। देखो संविधान सभा का जो गठन हुआ, संविधान सभा का जो गठन हुआ तो ध्यान रखना वो किसके द्वारा हुआ था बेटा, कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, जिसमें संविधान सभा की पहली बैठक जो की गई थी, वो की गई थी 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की पहली बैठक की गई है। और पहली बैठक में जो अस्थाई जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे कौन थे बेटा, सच्चिदानंद सिन्हा थे कौन थे, कैबिनेट मिशन की पहली बैठक में। तो अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया था, ध्यान रखना है सच्चिदानंद सिन्हा को, क्यों, क्योंकि ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, कौन, सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो राइट आंसर क्या होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर दूसरी बैठक होती है 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को, जिसके स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, फिर स्थायी अध्यक्ष बने थे कौन, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, कौन थे बेटा, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, कौन थे स्थायी अध्यक्ष बेटा, तो राजेंद्र प्रसाद थे, ओके। चलेगा अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न इरा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, पहला क्या प्रजातांत्रिक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ही लोगों के द्वारा क्या है, वोट दिया जाता है, बिल्कुल सही है, मूल अधिकार भी है और मूल कर्तव्य भी है, क्या मूल अधिकार, अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो क्या हम उनको जो है न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, तो हमारा मूल अधिकार भी है, क्या हमारे मूल संविधान में कर्तव्य थे क्या, नहीं थे, तो मूल संविधान में नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, कितने जोड़े गए थे, मूल कर्तव्य 10। 11वां जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002-3 के तहत, संविधान संशोधन 2002-3 के तहत जोड़ा गया था, कौन सा, 11वां। मूल संविधान में क्या कर्तव्य थे, तो बिल्कुल नहीं याद रखना है,
ठीक है, मूल संविधान में थे क्या कर्तव्य? नहीं थे, उनको बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और कितने कर्तव्य जोड़े गए थे बेटा? 10। वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं? तो 11। 11वां कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। प्रत्येक नागरिकों को रोजगार की सुरक्षा है, हमारा ए हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या स्वतंत्र न्यायपालिका है? बिल्कुल है, ये भी सही है। लेकिन वो पूछ रहा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो वो कौन सी हमारी रोजगार की सुरक्षा देने की व्यवस्था संविधान में नहीं है। अगला, लोकतंत्र शब्द। लोकतंत्र मतलब लोगों, लोक मतलब होता है जनता, जनता का सिस्टम, तंत्र किस भाषा से? ये तो ध्यान रखना, वो है कौन सा? यूनानी भाषा से। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा बेटा? यूनानी हो जाएगा। ओके चलो, हुमायूं नामा किसने लिखी? तो हुमायूं कौन था बेटा? हुमायूं था कौन? बाबर का पुत्र। बाबर का पुत्र था कौन? हुमायूं। और हुमायूं ने अपना जीवन लड़खड़ाते हुए निपटा दिया। लड़खड़ाते हुए इसका जीवन बीता हुआ है। और दिल्ली में दीन पनाए नगर की जो पुस्तकालय थी, लाइब्रेरी थी, उस पुस्तकालय से लाइब्रेरी से जब ये किताब पढ़ते हुए आ रहा था, तो उसके वो एक इस प्रकार का कपड़ा पहनता था, लहंगा टाइप का घेर वाला पहनता था, जैसे आजकल की जो गर्ल्स वगैरह पहनती है ना शादी वगैरह में, इस प्रकार से वो घेर वाला कपड़ा पहनता था। उसका पैर उस लहंगे में फंसा और सीढ़ियों से गिरा, और गिरते हुए क्या होगी? इसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक लेखक होते हैं बदायूं। कौन होते बेटा? बदायूनी कहते हैं। बदायूनी ने कहा कि बदायूनी ने कहा कि हुमायूं जो है वो जीवन भर लड़खड़ाते रहे, और लड़खड़ाते क्या होगी? इनकी मृत्यु हो जाती है। किसने कहा था बेटा? बदायूं ने कहा था। ठीक है, क्लियर है बात। अब वो कह रहे हैं हुमायूं नामा किसने लिखी? तो हुमायूं नामा उनकी बहन ने लिखी, गुलबदन बेगम ने। तो किसने लिखी थी बेटा? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अबुल फजल ने क्या लिखी थी? अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। और बाबर नामा किसने लिखी? तो बाबर ने स्वयं लिखी थी। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिए थे? तो पहली बार उपदेश कहां दिए थे? तो पहली बार जो उपदेश दिए थे वो दिए थे कहां पर? सारनाथ में। पहला उपदेश जिसको कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं इस घटना को? धर्म। पहला जो उपदेश दिया था वो दिया था कहां पर? सारनाथ में। बोध गया में क्या हुआ था? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। श्रद्धा ऐसा कुछ है नहीं है। और सांची में अशोक ने बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक के जो बौद्ध स्तूप है, अशोक ने किसके निर्माण किया था? सांची में। सांची पड़ता है भोपाल के पास, एक रायसेन जिला है, रायसेन जिला में पड़ता है कौन? सांची, जहां पर कौन है? बौद्ध स्तूप है। कहां पर है? बौद्ध स्तूप है। ध्यान रखना, इस स्तूप में महात्मा बौद्ध की अस्थियां नहीं रखी हैं। तो मुझे कमेंट में बताना इस स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो और सबसे ज्यादा अगर उपदेश, सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? अगर ये पूछा सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहां दिए थे बेटा? श्रावस्ती में। महात्मा बौद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो कहां दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और पहला उपदेश कहां दिया था? तो क्या देखना है आपको? सारनाथ में दिया था। ओके चल, अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रि रत्नों में नहीं है? तो बौद्ध धर्म के त्रि रत्न तो कौन कौन से हैं? बौद्ध भी है, धम्म भी है, और संघ भी है, ये तीनों हैं। राइट आंसर कौन हो जाएगा? अहिंसा। अहिंसा किसकी है बेटा? जैन धर्म का। जैन धर्म की पांच शिक्षाओं में से एक है। जैन धर्म की पांच शिक्षाओं में से एक शिक्षा है कौन सी? अहिंसा। अभी बताया था मैंने सत्य, दूसरा है अहिंसा, हमेशा सत्य बोलो,
मन वचन वाणी से किसी प्रकार की हिंसा नहीं होना चाहिए। तीसरा है अस्ते, कभी भी चोरी ना करो। चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कभी भी धन को एकत्रित ना करें, जितना हो सके दान करें। और पांचवा है हमारा क्या, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का क्या करें, पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपनी जो भी हमारी जो ज्ञान इंद्रिया, जो हमारी जो इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों, उन पर क्या करना है, अपन को कंट्रोल करना है, वो कहलाता है क्या, ब्रह्मचर्य का पालन। नग्न रहकर ठीक है, वस्त्रों को भी त्याग दो। ठीक है जी, कहते हैं कौन, हमारे दिगंबर लोग कहते हैं, जो कि महावीर स्वामी की जो पांच शिक्षाएं। हम बात करेंगे जैन धर्म के तीन रत्न कौन कौन होते हैं। जैन धर्म के तीन रत्न लिख लो, जैन धर्म के त्रिरत्न। पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक आचरण और तीसरा है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ये तीन हैंगे किसके, जैन धर्म के, और तीन किसके हैंगे, बौद्ध धर्म के हैं। तो याद रखना है, ओके बेटा। चलो अगला प्रश्न ही रहा, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते थे, क्या वैदिक काल को कहते थे, नहीं मौर्य काल को कहते थे, नहीं गुप्त काल को कहते थे। बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर हो जाएगा क्या, गुप्त काल। कौन हो जाएगा, गुप्त काल। ठीक है, और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखना श्री गुप्त ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी श्री गुप्त ने। क्या थे संस्थापक, कौन थे गुप्त वंश के, तो संस्थापक थे कौन, श्री गुप्त। श्री गुप्त का एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है कौन, घटोत्कच। और घटोत्कच के पुत्र होते हैं कौन, तो याद रखना घटोत्कच के जो पुत्र होते हैं उनका नाम होता है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे बेटा, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त का पुत्र होता है समुद्रगुप्त। कौन होता है बेटा, समुद्रगुप्त के जो सिक्के मिले हैं वो उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त की क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं। इससे साबित होता है कि समुद्रगुप्त संगीत का क्या था, प्रेमी था। क्या था बेटा, संगीत का प्रेमी था। और इसी के शासनकाल को क्या कहते हैं, स्वर्ण युग कहा गया। किसके शासनकाल को, समुद्रगुप्त की। लेकिन समुद्रगुप्त कौन से वंश का था, तो याद रखना है क्या, गुप्त वंश का था। और समुद्रगुप्त का एक पुत्र होता है चंद्रगुप्त द्वितीय होता है, जिसकी अभी हमने बताया था कालिदास जिसके दरबार में रहते थे। और समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया, इस वजह से क्या नाम रखा गया, सकारी रखा गया। क्या नाम रखा गया बेटा, सकारी। विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इनकी बात होते हैं कौन, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की थी बेटा, नींव डाली थी। किसने, कुमार गुप्त ने। ओके बेटा चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया, शाहजहां के द्वारा किसको निर्मित नहीं कराया गया। पहला ऑप्शन है बुलंद दरवाजा। जब अकबर गुजरात की विजय करके लौट रहा था तब उसने बुलंद दरवाजे का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किसने, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्योंकि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। कब करवाया था, तो गुजरात की विजय अभियान के समय। और ताजमहल और दिल्ली का किला और दिल्ली की जामा, आपको पता ना दिल्ली का लाल किला, ध्यान रखना दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने, जहां पर प्रधानमंत्री 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, वो कौन सा किला है बेटा, दिल्ली का किला। और दिल्ली के किले का निर्माण किसने करवाया था, ध्यान रखना शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, और हम बात करें आगरे के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, आगरा का जो लाल किला है वो शाहजहां ने नहीं करवाया था, किसने करवाया था, ध्यान रखना आगरा का जो लाल किला है उसका निर्माण करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था बेटा, अकबर ने। क्लियर बात याद रखना है। ठीक है, और ताजमहल की भद्दी नकल किसको कहते हैं, बीबी के मकबरे को कहते हैं, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, बैरोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसमें बेटा, वायुमंडल दाब को मापने में। किसमें किया जाता है बेटा, वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहां मिलता है, सबको बच्चा जानता है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, केसर पाया जाता है, असम में चाय, केरल में नारियल और काजू, उत्तर प्रदेश में गेहूं। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है,
क्या नील नदी है? नहीं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। और भारत की सबसे बड़ी बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। और अवसाद ढोने वाली कौन सी है? तो ध्यान रखना कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। अवसाद का मतलब होता है जो नदी जा रही है, जो जा रही नदी जा रही है। यहां से पत्थर कंकड़ बहाते हुए लाती है, उनको बोलते हैं क्या? अवसाद। और एक बड़े मैदान का निर्माण करती है जिनका नाम होता है असम का मैदान। क्या करती बेटा? असम का मैदान करती है। और यहीं पर एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, कौन नाम होता है? माजुली नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो याद रखना माजुली नदी द्वीप है। कौन सी नदी बनाती है? तो ध्यान रखना कौन सी बेटा? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? जे है, जे भारत का जे वाला इलाका है। देखो जे, जे तिब्बत के मानसरोवर के, ठीक है, यांगयाप, यहां पर मानसरोवर से निकलती है। यहां पर चेरा यंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और यहां पर अरुणाचल में एक दर्रा होता है, यांगयाप दर्रा। अरुणाचल में एक यांगयाप दर्रा होता है जिसको, इस नदी को देहांगे के नाम से जानते हैं। आगे चलकर जब असम में प्रवेश करती है तो असम में इसका नाम हो जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहां से जाती है और यहां से आती है गंगा। ये दोनों मिलती हैं, जहां पर ये दोनों मिलती हैं, और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कौन? ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिलकर, ओके, मेघना के नाम से। चलो, गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम कहां पाई जाती है? तो ध्यान रखना गल्फ स्ट्रीम जो है अंध महासागर के पश्चिमी किनारे पर। तो राइट आंसर कौन होगा? अंध महासागर के पश्चिमी किनारे पर पाई जाती है। कौन? गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? तो ध्यान रखना गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है बेटा? गर्म जलधारा है। इसको यूरोप का कंबल कहते हैं। यूरोप का कंबल किसको कहते हैं? तो ध्यान रखना गल्फ स्ट्रीम को कहते हैं, जो कि कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, ओके। अगला क्वेश्चन रहा, कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माता कौन थे? क्या चौहान वंश के शासक थे, चंदेल वंश के थे, तोमर के थे, या गुर्जर प्रतिहार वंश के थे? तो राइट आंसर हो जाए चंदेल शासकों को, ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था। और खजुराहो के मंदिर, ध्यान रखना कौन? खजुराहो के जो मंदिर बनवाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? चंदेल शासकों को जाता है। और चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो था कौन? नन्नोक। कौन था बेटा? नन्नोक था। कौन था? नन्नोक था। सबसे प्रतापी शासक हुआ विद्याधर। कौन हुआ? विद्याधर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये तो हो गया ना, अच्छा जी रह गया, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हम बात करेंगे सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी, देखिएगा, पहली हम बात करेंगे एंडीज, एंडीज पर्वतमाला। जो एंडीज पर्वतमाला है वो है दक्षिण अमेरिका में। कहां पर बेटा? दक्षिण अमेरिका में। कौन सी एंडीज? फिर है रॉकी पर्वतमाला जो है वो है उत्तरी अमेरिका में। और तीसरी याद रखना हिमालय है कहां पर? एशिया में। कहां पर बेटा? एशिया में हिमालय। फिर हम बात करेंगे आल्प्स, फिर बात करेंगे एटलस जो है वो अफ्रीका में है। कहां पर बेटा? अफ्रीका में है। फिर बात करेंगे आल्प्स की, तो आल्प्स याद रखना है यूरोप में है। आल्प्स पर्वतमाला कहां पर है? यूरोप में है। और फिर याद रखना ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो है कहां पर है? याद रखना है कहां पर बेटा? जी है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो जी है विश्व की सबसे पर्वत लंबी पर्वतमालाएं जो आपके क्रम से मैंने लिख दी हैं। तो सबसे बड़ी कौन सी लिख रही है? एंडीज पर्वतमाला है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, एंडीज पर्वतमाला है। देखो इस प्रकार से बनी हुई है जी, होती है एंडीज पर्वतमाला जी है इधर। और इसके नजदीक कौन है? पेरू। कौन है बेटा? पेरू। और चिली है। और यहां पर क्या हमारा? ब्राजील है। क्या बेटा? ब्राजील है, ओके। अगला, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप व्यापार करता था? तो बेटा रेशम था। कौन सा था? रेशम मार्ग से। किससे? रेशम मार्ग से करते थे, ठीक है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आपने कनिष्क का नाम सुना होगा, कनिष्क ने रेशम मार्ग की क्या की थी बेटा? शुरुआत की थी। किसने? कनिष्क ने।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई? तो बेटा तीन प्रकार की न्याय की बात है हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, सामाजिक, सामाजिक, राजनीतिक सामाजिक हो गई, राजनीतिक हो गई, और कौन सी है हमारी, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक, इसमें पूछ रहा है कौन सी बात नहीं की गई है। सामाजिक प्रस्तावना का विचार है, राजनीतिक हो गई है, सामाजिक राजनीतिक है, और एक और याद रखना है, लेकिन ध्यान रखना इसमें आर्थिक न्याय की बात नहीं है। ध्यान रखना किसकी नहीं बेटा, आर्थिक न्याय की बात नहीं है। राइट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर हमारा बी, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की तो बात है लेकिन आर्थिक न्याय की बात नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अभी हमने बताया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखना किसने की थी बेटा, अभी बताया था हमने कुमार गुप्त ने, किसने की थी बेटा, कुमार गुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त पता ही है मौर्य वंश के शासक थे, ठीक है, और हर्षवर्धन कौन थे, वर्धन वंश के शासक थे। इनके शासन काल में हरिषेण रहते थे, कौन रहते थे बेटा, हरिषेण। प्रयाग प्रशस्ति, जिनका प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, हरिषेण से। हर्षचरित भी किसने लिखी थी, हरिषेण ने लिखी थी, हर्षवर्धन के शासन काल में रहते थे। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति विष्पा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासन काल में हुआ था? तो प्रति विष्पा उपज का जो प्रारंभ हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था, तो ध्यान रखना कौन से थे बेटा, वो हमारे अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे। ओके, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग में नहीं है? कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त का जनक है, बिल्कुल सही बात है। विलियम बेटिक, राजा राम मोहन की राय की सहायता से 1829 में, ध्यान रखना 1829 में विलियम बेटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। लिटन को बन्ना कुल प्रेस एक्ट इसी ने चालू किया था। रिपिन को रॉयल एक्ट, नहीं रिपिन रॉयल एक्ट नहीं था, वो कौन था, चेम्सफर्ड थी। कौन थे बेटा, चेम्सफर्ड, चेम्सफर्ड, क्योंकि रॉयल एक्ट कब आया था, 1919 में आया था, और 1919 का भारत शासन अधिनियम जो है वो कौन सा है बेटा, कौन सा है, चेम्सफर्ड वाला है, कौन सा बेटा, चेम्सफर्ड है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानीय कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई, इतनी बड़ी समस्या का, उनकी गतिविधियां क्या हो गई थी, प्रतिबंधित हो गई, उनकी जो भी गतिविधियां थी, जो भी काम करते थे, वो उनसे जो डेली का यूज का काम था वो क्या हो गई, उनकी प्रतिबंधित हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, अगला देखो, चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? बेटा चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, जब पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो है वो चंद्रमा, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाए, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आता है, ये घटना कब होती है बेटा, पूर्णमासी को होती है, और होती है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो ध्यान रखना सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को, सूर्य ग्रहण, तो ध्यान रखना सूर्य ग्रहण कब होता है बेटा, अमावस्या को, सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को होता है। ओके, और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णमासी को। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है, क्या नदियों में पाया जाता है, अंटार्कटिक में पाया जाता है, महासागर में पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, महासागर में। देखिएगा महासागर में जो जल पाया जाता है, महासागर में, महासागर में और पृथ्वी पर, महासागर में जो जल है और स्थल पर, स्थल पर महासागर में 71% जल है, कितना बेटा, शायद लगभग 71% है, और यहां पर कितना है, यहां पर याद रखना 29% है, कहां पर है, इधर 29% जल पाया जाता है लगभग, तो राइट आंसर क्या होगा, महासागर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? देखिए उष्णकटिबंधीय जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में घास के मैदान को क्या बोलते हैं हम, सवाना कहते हैं, क्या कहते हैं, सवाना। पंपास जो है, ठीक है, पंपास जो है जी हमारा कहां पर होता है बेटा, डाउन्स होता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में होता है, और जो पंपास होता है वो होता है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, और स्टेपी जो है यह यूरेशिया में, यूरोप प्लस एशिया, और प्रेरीज, कौन सी बेटा, प्रेरीज, प्रेरीज,
प्रेरी जो ठंडे घास के मैदान है वो कहां पर होती है बेटा, उत्तरी अमेरिका में होती है। कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। ठंडे घास के मैदान को क्या बोलते हैं? प्रेरीज कहते हैं। और पंपास कहां होते हैं? दक्षिण अमेरिका में होते हैं घास के मैदान को। तो ये तो तीनों ठंडे घास के मैदान है। ये कैसे बेटा? ठंडे घास के मैदान है, शीतोष्ण। ये कैसे बेटा? शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है। वो पूछ रहा उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं, जो कि कहां पर है? अफ्रीका में है। ठीक है, यूराल पर्वत अलग करता है यूरोप और एशिया को। किसको करता है बेटा? यूराल पर्वत किसको अलग करता है बेटा? यूरोप और एशिया को अलग करता है। कौन सा? यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत। अगला, तीन ओर से समुद्र से घिरा। देखो ये है क्या, एक भारत, भारत तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? समुद्र से। इस वजह से इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रायद्वीप। जब कोई स्थल तीन ओर से किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो, उसको बोलते हैं क्या हम? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? प्रायद्वीप। ठीक है, और एक स्थल क्या है हमारा? एक तरफ है स्थल और एक तरफ क्या है हमारा? जल है। इस बीच वाले स्थान को बोलते हैं क्या हम? तट कहते हैं। और ये स्थल है और चारों तरफ क्या है इसके? पानी है। उसको क्या बोलेंगे अपन? और द्वीप कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? द्वीप कहेंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र में मत्स्य प्रचुर मात्रा में रहती है। देखिएगा, जहां पर ठंडी जलधारा, जैसे एक आ रही यहां से ठंडी जलधारा और यहां से आ रही क्या है? गर्म जलधारा। जहां पर ये मिलती है इसको बोलते हैं क्या हम? मत्स्य बैंक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? मत्स्य बैंक कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? मत्स्य बैंक कहते हैं। कब बनता है ये मत्स्य बैंक? मछली ज्यादा उत्पादन होती है वहां पर, जब ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों मिलती हैं, उस स्थान को बोलते हैं क्या हमारे? मत्स्य बैंक। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तो गर्म एवं ठंडी जलधाराओं का मिलन होता है। तो राइट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, पृथ्वी की आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है। देखो पृथ्वी के तीन भाग होते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे आंतरिक भार होता है बेटा कोर। क्या होता है? कोर। जो पृथ्वी का जो अंदर का भाग होता है, जहां पर लावा मैग्मा वगैरह रहता है, वो कहलाता है कोर। फिर पृथ्वी का जो दूसरा भाग होता है, इसको बोलते हैं क्या? मेंटन। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा? मेंटन। और पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है, इसको बोलते हैं हम क्रस्ट। क्या बोलते हैं हम? क्रस्ट। तो जो कोर है, वो कोर को हम किस नाम से जानते हैं? तो निफे, NIFE। निफे से क्या बन जाएगा यहां पर? निकेल प्लस लोहा, निकेल प्लस लोहा। दूसरा होता है हमारा क्या? सीमा। मेंटल जो बना होता है वो बना होता है किससे? सीमा, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना होता है कौन? सीमा। और तीसरा जो होता है हमारा कौन सा भैया होता है? इसको हम लास्ट वाले को बोलते हैं क्या हम? सियाल। सियाल, तो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है बाहरी भाग। तो पृथ्वी का जो बाहरी भाग है, जिस पर हम निवास करते हैं, वो होता है क्या हमारा? क्रस्ट। और क्रस्ट किससे बना होता है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम से बना होता है। तो पृथ्वी के तीन भाग होते हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट। वो पूछ रहा है पृथ्वी की सबसे अंदर का, अंदर कौन है? कोर है। कौन है? अंदर कोर। और कोर किससे बना है? निफे से, मतलब निकेल और लोहा। तो कहां गया निकेल एवं लोहा? तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, महान नागा महिला जो है असम में जो निवास करती थी, कहां पर रहती थी बेटा? असम में। तो मैं इनको गिंडालू की रानी के नाम से उपाधि जो दी थी, वो किसने दी थी बेटा? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ये फैक्ट था। एक निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा? देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला हम बात करेंगे एशिया। सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? एशिया है। दूसरा हम बात करेंगे क्या हमारा? अफ्रीका है। तीसरा हमारा उत्तरी अमेरिका है। चौथा हमारा है दक्षिण अमेरिका है। पांचवा जो हमारा है वो याद रखना है कौन है? अंटार्कटिका है।
अंटार्कटिका, देखना याद रखना है अंटार्कटिका जो है वो जनसंख्या में नहीं आएगा क्योंकि एक बर्फीला है और वहां पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहा हूं मैं, अंटार्कटिका के बाद आता है कौन सा हमारा यूरोप, और सातवां जो महाद्वीप है वो कौन सा हमारा का है ऑस्ट्रेलिया, कौन सा बेटा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा हो गया एशिया, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, तो सबसे छोटा हो गया कौन सा हमारा ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर क्या होगा हमारा, वो पूछ रहा आकार में सबसे छोटा कौन सा है, तो कौन सा भैया ऑस्ट्रेलिया है, कौन सा है ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पाई जाती है, तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में सबसे जो पर्वत माला है जो लंबी है वो कौन सी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। बुद्ध गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से मिलती है, तो ध्यान रखना अशोक के अभिलेखों से मिलती है, तो राइट आंसर क्या होगा अशोक के अभिलेखों से। ओके, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के जो शोध संस्थान है, आपको कई बार बता चुके मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री जो है वो कहां पर है बेटा अंटार्कटिका में है, कहां पर है अंटार्कटिका में है। राइट आंसर होगा इसका क्या डी होगा। हड़प्पा के लोग, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, तो ध्यान रखना हड़प्पा के लोग जो थे वो लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे, किसका नहीं जानते थे बेटा लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे, लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे। ठीक है, कांस, इसको देखो कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है, इसका नाम दूसरा क्या है कांस्य युगीन सभ्यता है। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की, पोटामिया की सभ्यता है जो कि किस नदी के किनारे है दजला दफला, दजला दफला नदी के किनारे है, ध्यान रखना दजला दफला नदी के किनारे है जो कि ईरान इराक में है। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी कौन सी है मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ओके चल अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है आवाचनीय, आवाचनीय का मतलब होता है जिसको पढ़ा नहीं गया हो। ठीक है, इसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक, क्या बोलेंगे बेटा भाव चित्रात्मक, तो कौन सी हमारी भाव चित्रात्मक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके भैया, मुगल काल में भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो पहले कौन थे बेटा, पहले कौन थे पुर्तगाली थे, कौन थे पुर्तगाली थे जो कि 1498 में, 1498 में वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत में आया था, जिसने समुद्री मार्ग से, समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की क्या की थी खोज, समुद्री मार्ग, समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की क्या की थी खोज की थी, जिसका स्वागत, ठीक है कालीकट यहां पर आता है गुजरात के पास है कालीकट, कालीकट में एक जमोर नाम का एक कौनता राजा था, उसने बेहतरीन का क्या किया था स्वागत किया था, किसका वास्को डी गामा का, तो कौन आए थे बेटा पुर्तगाल आए थे। चल आज के हमारे 50 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो गए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको क्या करना जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर क्या कर देना है क्लिक, और अगर आपको हमारा टेलीग्राम आपको ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम की लिंक आपको कहां मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है ओके, तो अगर आपका हमारा सेशन, आपको हमारा सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।